फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज का रिव्यू करने के बाद उस वीडियो के ऊपर काफी सारे कमेंट आए कि भाई ये तो कुछ नहीं है, इसकी एक सीरीज है, मतलब इस ज़ॉम्बी के ऊपर बनी हुई एक अलग से सीरीज है जो इस सीरीज का बाप है। इतना सुनने के बाद मेरे मन में भी हुआ यार क्यों ना उसको देखा जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा द वॉकिंग डेड सीरीज के बारे में। देखो दो अलग अलग है, फियर ऑफ द वॉकिंग डेड और एक अकेली है द वॉकिंग डेड। और जो द वॉकिंग डेड है उसके अंदर टोटल 11 सीजन है, उनके अंदर टोटल 177 एपिसोड है जो 2011 में स्टार्ट हुई थी। और वहीं फियर ऑफ द वॉकिंग डेड उसके अंदर 7 सीजंस हैं और इन 7 सीजन के अंदर तकरीबन 101 एपिसोड्स हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। और ये वाली सीरीज 2015 के अंदर आई थी। मैंने इन दोनों सीरीज को IMDb के ऊपर भी चेक किया, वहां पर रेटिंग जो है द वॉकिंग डेड को काफी ज्यादा मिली हुई है एज कंपेयर टू फियर ऑफ द वॉकिंग डेड के मुकाबले में। अब यहां पर इतना उसकी तारीफ सुनने के बाद भैया वहां पर भी बहुत ज्यादा तारीफ की हुई थी तो लगा कि यार हां अब तो देखना बनता ही है सीरीज को। ओके, तो दोनों सीरीज की कहानी सेम है, यानी जो एक थीम रखी गई है कि ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है, ज़ॉम्बीज बनने लग जाते हैं, एक वायरस फैल जाता है जिससे लोग जो हैं वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। अब ये जो ज़ॉम्बी हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, इवन कुरेचते हैं तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और इनको मारने का तरीका सेम है दोनों ही सीरीज के अंदर कि उनके दिमाग पे, उनके सर पे गोली मारो जिससे ये ज़ॉम्बी है वो मर जाएंगे। द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर कुछ लोग बचे हुए हैं, अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं, जैसे तैसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचकर देखो एक ऐसा माहौल बन जाए जहां हर तरफ ज़ॉम्बी हो, कोई कानून व्यवस्था ना हो, क्या होगा इस माहौल में, और कोई भी करियर की टेंशन ना हो, बस एक ही टेंशन है अपने आप को जैसा तैसे जिंदा रखने की, मतलब काफी ज्यादा भयानक है। फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर जब आप शुरुआत करते हो इसको देखने की, इसका फर्स्ट एपिसोड, इसका सेकंड एपिसोड, देखो यार मैंने फियर ऑफ द वॉकिंग डेड के अब तक 4 सीजन देखे हैं और यही द वॉकिंग डेड के मैंने अभी सिर्फ एक ही एपिसोड, मतलब एक एपिसोड क्या, एक सीजन देख लिया जिसके अंदर 6 एपिसोड आते हैं। तो अब मैं उसको एक सीजन और इसका ही एक सीजन, इन दोनों के बीच में ही कंपेयर कर पाऊंगा। अब जो वॉकिंग, मतलब फियर ऑफ द वॉकिंग डेड, नाम यार सेम हो रहे हैं, फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर आप देखते हो फर्स्ट एपिसोड तो इसमें टाइम लगता है इंटरेस्ट क्रिएट होने के अंदर, इसमें एक तरीके से टाइम लेते हैं ये दिखाने की ज़ॉम्बी आ रहा है, अभी एक आया है, थोड़ी देर में काफी ज्यादा आएंगे, कैसे कैसे ये वायरस फैल रहा है, तो ये फियर ऑफ द वॉकिंग डेड में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर भैया टाइम ही नहीं लेते, ये तो पहले ही एपिसोड के अंदर इतना कुछ दिखा देते हैं कि हाँ ये जो ज़ॉम्बी है वो आ चुके हैं। और VFX भाई बहुत, देखो दोनों ही सीरीज के अंदर VFX अच्छे हैं, लेकिन द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर जो VFX हैं वो काफी ज्यादा डरावने हैं एज कंपेयर टू फियर ऑफ द वॉकिंग डेड। यार मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज से ज्यादा खतरनाक VFX जो है वो द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर है। यार एक तो इनके नाम सेम होने की वजह से ना, फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर ज़ॉम्बी कैसे मारा जाएगा, कैसे उससे मतलब अगर वो काट लेता है तो उससे दूसरा व्यक्ति भी ज़ॉम्बी बन जाता है, तो ये बताने में टाइम लग जाता है, वहां पर लोगों को समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड में, द वॉकिंग डेड के फर्स्ट एपिसोड में ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कि देखो भाई अगर इसने काट लिया, इसने अगर नाखून मार दिए तो भाई तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे, इसको एक तरीके से मार सकते हैं, इसके सर पर गोली मार दो। तो ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखा देते हैं, बस इनका एक मेन मकसद होता है कि सर्वाइव दिखाना है, जैसे तैसे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहां पे, एक तरीके से कंपैरिजन ही चल रहा है इस वीडियो के अंदर। चलो इसको कंटिन्यू कर ही लेते हैं। फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर अगर आप ज़ॉम्बी देखते हो तो बड़े डंब हैं, आलसी हैं, उनसे चलने में टाइम लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत चीज है, वो अपना एक दिखाने का एक तरीका है। लेकिन वही द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर यहां पर ज़ॉम्बी बड़े समझदार दिखाए गए हैं यार। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर ही वो शीशे को तोड़ रहे हैं पत्थर लेकर, और तेज हैं ये, भाग पा रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर ये ज़ॉम्बी ये ज्यादा खतरनाक है फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज से। और द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक VFX इन्होंने दिखाए हैं कि कहीं कहीं पर तो आप अपनी आंखें तक बंद कर लोगे, इतनी काट फाट इन्होंने दिखा रखी है, इस तरीके से बहरहमी से काटा गया है, इतना खतरनाक वो, मतलब उसको बयां कैसे करूं, जो एक बॉडी सामने रखी थी उसको ऐसे मार रखा था, ऐसे काट रखा था, तब भी वो जिंदा थी, उसका आधा शरीर कटा हुआ था, तब भी वो अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे थे। तो इतने भयानक इसके अंदर दिखते हैं हमें फर्स्ट सीजन के अंदर इतना दिख जाता है, लेकिन वहीं फियर ऑफ द वॉकिंग डेड में ये देखने में टाइम लग जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, वो भी अच्छी है, लेकिन इसके फर्स्ट सीजन को अगर मैं दोनों सीरीज के फर्स्ट सीजन को कंपेयर करूं तो कुछ ज्यादा चीजें मुझे अच्छी लगी द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर, जिसे इंटरेस्ट बन जाता है यार इस सीरीज के अंदर। और एक इमोशनल एंगल भी आपको देखने को मिलेगा द वॉकिंग डेड के अंदर। एक सीन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो एक पुलिस ऑफिसर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, तो और जैसे ही उसका बेटा उसके सामने आता है, कार्ल इसका नाम होता है, तो जो इमोशनल
एंगल हमें वहां देखने को मिलता है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस वहां देखने को मिलती है, वो टच कर जाते हैं यार। और एक और सीन आता है जहां पर एक व्यक्ति अपनी वाइफ को गोली मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गई है। यहां पर उसको गोली मारने के लिए उसे कितनी हिम्मत चाहिए, देखो वो मार पाता है नहीं मार पाता, ये तो तब आता चलेगा जब आप ये सीरीज देखोगे। हर चीज तो मैं बताने चाह रहा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमोशनली भी इसके ऊपर वर्क किया गया है। मतलब अच्छा लगता है उनका सर्वाइव ऐसे देखते हुए, मतलब लोगों को मुसीबत में देखते हुए। खैर ये एंटरटेनमेंट के पर्पस है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। खैर मेरी तरफ से इस सीरीज को, ना वॉकिंग डेड को, मैं देना चाहूंगा 9.5 out of 10। सर अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अब देखो यार 177 एपिसोड्स हैं, अभी तक इसका फर्स्ट सीजन ही देखा है, 10 सीजन और बाकी हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होंगे वन बाय वन हर एक के ऊपर वीडियो बनाते चलेंगे, क्योंकि यार एक साथ इतने सारे एपिसोड देखकर वीडियो बनाना, सिर्फ एक ही वीडियो बनाना यार वो चैनल को डाउन कर देता है ना, वैसे भी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। खैर अगर जिन्होंने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट करना, दोबारा से बात बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है तो जाकर देखो। एक तृप्ति चाहते हो कि हाँ कि भाई एक ज़ॉम्बी के मामले में आज तक हमने मूवी देखी थी, हमें और भी अच्छा देखना है, कैसे ज़ॉम्बी काम करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक जो इसको कौन ध्यान रखता है यार, मतलब कैसे हाल हो जाते हैं लोग, कैसे अपने आप को बचाते हैं, बूढ़ों का क्या होता है, इसमें बूढ़ों का भी एक सीन दिखाया जाता है, एक एपिसोड आता है उसके अंदर, तो उनका कोई ध्यान रख रहा होता है, तो ये चीजें देखकर अच्छा लगता है। फियर ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हमें देखने, लेकिन ये वाली सीरीज है इसके अंदर ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि इसके अंदर इमोशनल है, ज़ॉम्बी ज्यादा खतरनाक है, वीएफएक्स ज्यादा डरावने रखे गए हैं, तो ये मुझे ज्यादा अच्छी लगी। खैर आप जो मर्जी आपकी इच्छा है जैसा भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।